जो बिनानी सीमेंट का जो इंसॉल्वेंसी का जो केस अपने जो आज बात कर रहे थे वो हमने खोल लिया है, एक बार आप देखिए, चेक करिए। 19 नवंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द चैलेंज एंड अपहेल्ड द ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी। मतलब जो एनसीएलटी ने फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट बोला सही है। क्या हुआ, क्या था सर? अल्ट्राटेक का जो बिड था, किसका? किसके लिए? बिनानी के लिए। वो रिजेक्ट किया गया था कि एक्सेप्ट? हम बता चुके थे एक्सेप्ट किया गया था। उसके पहले अल्ट्राटेक के बिड के, अल्ट्राटेक ने बिड किया ना, उसके पहले जो बिनानी लोग का सीओसी था ना, बिनानी जो आईबीसी के अंदर था, बिनानी सीमेंट लिमिटेड, उसने क्या बना रखा था सीओसी? उसका सीओसी ने एक ऐसा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया था जिसमें ऑपरेशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर को अलग अलग परसेंटेज मिल रहा था। आई रिपीट, बिनानी सीमेंट लिमिटेड का जो सीओसी था उसने पहले एक ऐसा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया इन विच फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर वे पेड डिफरेंटली, टू मच ऑफ हेयर कट फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। बनाया, और वो रेजोल्यूशन प्लान और कोई नहीं दिया था, दालमिया भारत कंपनी दिया था वाया इट्स कंपनी नोन एज राजपूता। पूरा देखो, ठीक है, पूरा देखो। तो हुआ क्या, पहले एक बार स्टोरी सुन लो, किसका बिड सीओसी ने सबसे पहले अप्रूव किया? दालमिया भारत का। और दालमिया भारत किसके थ्रू बिड किया था? राजपूताना प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वाला। उसमें क्या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट था फाइनेंशियल ऑपरेशनल का, जो सीओसी ने अप्रूव कर दिया था, क्योंकि सीओसी में तो फाइनेंशियल क्रेडिटर लोग था, उन लोगों को ज्यादा मिल रहा था, उन लोग अप्रूव कर दिया। उसके बाद अल्ट्राटेक ने बिड किया, नहीं समझाया? बनाया, और अल्ट्रा मतलब रेजोल्यूशन प्लान इवन अप्रूव, इतना बड़ा बात है, सोचो, रेजोल्यूशन प्लान इवन इफ अप्रूव बाई सीओसी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बोला ये प्लान नहीं चलेगा, एनसीएलटी बोला ये प्लान जो राजपूताना वाला प्लांट है जो सीओसी ने अप्रूव किया वो नहीं चलेगा, उसमें डिफरेंशियल ट्रीटमेंट और बहुत ज्यादा। आप अल्ट्राटेक का बिड एक बार कंसीडर करो, सीओसी वाला लोग जो है ना इतना एटीट्यूड में मरे जा रहा था, बोला अब हम लोग बार बार थक चुके हैं, अब हम लोग अल्ट्राटेक का बिड कंसिडर नहीं करेंगे, एनसीएलटी डायरेक्टेड चुपचाप कंसिडर कर। देन दे कंसिडर्ड एंड उन लोग बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज हुए, अरे वाह, इसमें रिलेटेड पार्टी को छोड़ करके 100% पेमेंट हो रहा है, फाइनेंशियल को भी ऑपरेशनल को भी। और फाइनेंशियल क्रिएटर लोग जो जो सीओसी में फाइनेंशियल क्रिएटर लोग बैठा है, क्या वहां रिलेटेड पार्टी को बैठा है? कितना परसेंट वोट चाहिए था? क्या लगता है अल्ट्राटेक ने जो नया रिवाइज बिड दिया होगा जिसमें बोला सबको 100% पेमेंट दे देंगे एक्सेप्ट रिलेटेड पार्टी, कितना जन अप्रूव किया? 75% किया होगा? कितना जन अप्रूव किया होगा? 100%, damn it, 100%, अरे पूरा तो पेमेंट दे रहा है अल्ट्राटेक, नहीं समझ आया? फिर बात एनसीएलटीजी से चला गया सुप्रीम कोर्ट कि ऐसे कैसे हो सकता है, पहले हम लोग का बिनानी में पहले हम लोग का बिड अप्रूव हुआ था, कौन बोला? दालमिया वाला लोग, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं, ठीक है, तुम्हारा बिड जो भले ही अप्रूव हो गया था गलत था, उसमें डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रहा था फाइनेंशियल ऑपरेशन के साथ। पूरा केस समझ में आया? देखो यहां से देखो, बैकग्राउंड से देखो, पर्सुएंट टू इन, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ना, आई एम गोइंग टू रिक्वायर 5 to 10 minutes बट वेरी इंटरेस्टिंग। पर्सुएंट टू इनविटेशन बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, बहुत पहले का बात है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सबको इनवाइट किया ना कि आओ भाई प्लान बनाओ, मेरा आई एम रेडी है इंफॉर्मेशन। रेजोल्यूशन प्लान किसके लिए मंगवाया? विच वॉज अंडर गोइंग वॉट? तो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया, किसने सबमिट किया? राजपूताना ने भी, अल्ट्राटेक ने भी, लेकिन राजपूताना किसके जरिए सबमिट, मतलब राजपूताना को कंट्रोल कौन कर रहा था? दालमिया भारत, ठीक है, अपने को क्या, राजपूताना एक एंटिटी है, उसने सबमिट किया और अल्ट्राटेक ने सबमिट किया। राजपूताना का सीओसी ने देखा कि पहले इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, उसका अपने को पहले मिला बिड, तो पहले उसको इंपॉर्टेंस दिया राजपूताना को और सीओसी के सामने रखा 8, ठीक है,
राजपूताना को उन्होंने प्रायोरिटी दिया 27 फरवरी को, और 8 मार्च को अल्ट्राटेक ने अपना ऑफर इंप्रूव करके सीओसी को नया रिवाइज बिड सबमिट किया, विद सीओसी रिफ्यूज टू कंसिडर। नहीं समझ आया? दो बिड आया ना, एक किसका और एक अल्ट्राटेक। तो राजपूताना का थोड़ा वैल्यूएशन वगैरह इंप्रेसिव था, तो राजपूताना का बिड कंसिडर किया गया, तो अल्ट्राटेक फिर अपना बिड को क्या किया, रिवाइज। रुक, ऐसा कैसे? बट अब सीओसी को इतना एटीट्यूड था, बोला आपका बिड आप लोग नहीं लेंगे। सीओसी और बिनानी सीमेंट रिफ्यूज टू कंसिडर किसका बिड, अल्ट्राटेक। इंस्टेड सीओसी अप्रूव द रेजोल्यूशन प्लान ऑफ राजपूताना 14 मार्च 2018। और फिर आरपी ने इसको कहां जमा कर दिया, कलकत्ता का एनसीएलटी को जमा कर दिया कि राजपूताना का जो प्लान है वो आप भी अप्रूव कर दीजिए, ठीक है, फॉर अप्रूवल ऑफ राजपूताना प्लान। लेकिन एप्लीकेशंस वर फाइल्ड बाय वेरियस स्टेक होल्डर रेजिंग वेरियस इश्यूज। सबसे बड़ा इशू क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर, एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं था बोला, ठीक है। और एप्लीकेशंस वर आल्सो फाइल्ड बाय अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक भी कूद गया कि मेरा तो बिड ही नहीं देखा इन लोग, कि कम से कम अल्ट्राटेक बोला कम से कम आई सीक योर डायरेक्शन, इन लोग को डायरेक्शन दो कि कम से कम मेरा बिड कंसिडर करें। अल्ट्राटेक क्वेश्चनिंग द प्रोसेस एंड सीकिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन दो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, सीओसी को, टू कंसिडर द रिवाइज ऑफर। सेकेंड में 2018 को एनसीएलटी ने फैसला सुनाया, राजपूताना का प्लान रिजेक्टेड। आपको तो पता है ना, सीओसी भले ही अप्रूव कर दे, एनसीएलटी का भी अप्रूवल चाहिए, एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया, बोला डिस्क्रिमिनेटरी है, क्या है, एंड सीओसी को डायरेक्शन भी दे दिया टू कंसिडर द रिवाइज ऑफर एंड प्लान ऑफ किसका, अल्ट्राटेक, अलॉन्ग विद अनदर एनी अदर रिवाइज ऑफर। इफ एनी, इस बीच में अगर कोई और कंपनी इंटरेस्टेड है उन लोग का भी प्लान एक बार कंसिडर करो। फिर ये मैटर कहां गया, और फिर कहां गया, हाँ, सुप्रीम कोर्ट। इतने में जब तक केस चल रहा था, सीओसी तो अपना काम कर ही रहा होगा ना, केस तो पेंडिंग था किसके पास, एनसीएलटी, फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इतने में इन द मीन टाइम सीओसी ने 28 मई 2018 को मीटिंग किया, किसका बिड कंसिडर करने के लिए, और कितना परसेंट वोटिंग शेयर से अप्रूव, 100% वोटिंग शेयर से अप्रूव कर दिया। क्यों 100% वोटिंग शेयर से, अल्ट्राटेक बोल रहा था हम सबको झुका देंगे, पूरा झुका देंगे एक्सेप्ट रिलेटेड पार्टीज, विच वॉज देन प्लेस्ड बाई आरपी बिफोर एनसीएलटी एंड फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स अंडर आईबीसी। अल्ट्राटेक का प्लान में क्या था, अल्ट्राटेक का प्लान में था 100% पेमेंट टू ऑल द फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल क्रेडिटर एक्सेप्ट रिलेटेड पार्टी। पक्का? तो इसको 100% मेजोरिटी से अप्रूवल मिला। अब एनसीएलटी का ये जो रूलिंग है ना, इससे मेन मेन चीज क्या आपको समझ में आता है, एनसीएलटी क्या बोला, वही सब बोला जो हम बता रहे थे कि डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन क्रेडिटर, ऑल्दो इट इज अ कमिटी ऑफ द सीओसी, इज अ कमिटी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, बट दे आर नॉट देयर टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट ओनली, अदरवाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्ट विल बी डिफीटेड। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, maximize the value of assets, to increase the availability of credit, if you remember, to increase the, अगर इसी तरीके से operational creditors के साथ किया गया, क्या कोई operational creditor future में credit में operations करेगा, उधार में माल बेचेगा, तो IBC का तो objective भी defeat हो जाएगा। The objective of IBC was to increase the availability of credit, and if such a discriminatory treatment is done with the operational creditor, in future no operational creditor will be willing to give the goods or supply raw material or services on credit, then where does the availability of credit remains? Pakka? Dekho, objectives, key takeaway from NCLAT ruling. Kya tha? The main objectives of IBC kya tha? Resolution tha? Haan, resolution tha. Second kya tha? Maximization of valuation of assets of the corporate debtor for all the creditors, and not only for a particular set of creditors. And third, promoting entrepreneurship, availability of credit. Pakka. So NCLAT observe, jahan tak financial creditor or operational creditor hai,
both kind of creditor, third line में दिख रहा है, both kind of credits need to be on level playing field. There should be balancing of interest and value maximization for all stakeholders. One set of stakeholder cannot benefit unduly at the cost of another. So NCLAT का main conclusion था, liability of all those creditors who are not part of CUC, मतलब they are talking about, must also be met in the resolution. और फाइनेंशियल क्रिएटर को इतना जल्दी क्या है, फाइनेंशियल क्रिएटर तो ऐसे भी फाइनेंस देकर के बैठा था, फाइनेंस तो दे रखा था ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो तेरे को इतना जल्दी क्या है पैसा लेने का. लेकिन ऑपरेशनल क्रिएटर तो कभी फाइनेंस के मकसद से नहीं दिया था, उसको तो वर्किंग कैपिटल उसका जाम हो जाएगा, उसको तो तुरंत पैसा दो. तो एनसीएलटी तो एक स्टेप और आगे जाकर के बोला कि फाइनेंशियल क्रिएटर उल्टा वेट कर सकता है, बल्कि ऑपरेशनल क्रिएटर वेट नहीं कर सकता. फेयर इनफ, फाइनेंशियल क्रिएटर डिपॉजिट किया था लंबा डिपॉजिट. Financial creditor can modify the terms of existing liability. Lekin other creditors kaun? They cannot take the risk of postponing the payment. Financial creditor can postpone. Operational creditor cannot take the risk of postponing the payment for better future prospects. Matlab, while financial creditors can take the haircut and recover their dues in future, operational creditor need to be paid immediately. A creditor cannot maximize his own interest. वो खाली अपने interest के बारे में नहीं सोच सकता moratorium period में. If one type of credit is given preferential treatment, किसका बात कर रहे हैं लोग? हाँ, financial creditor का preferential treatment देंगे. The other type of credit would disappear from the market. उधार में माली नहीं बचे करे. Which will be against the objective of promoting the availability of credit. IBC aims to balance the interest of all stakeholder and not only maximize the value of the financial credit. Therefore, the dues of operational creditors must get at least, if not better, at least similar treatment to those of the financial creditor. तो मतलब मेन चीज यही बोला गया कि ड्यूज ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर मस्ट गेट एटलीस्ट सिमिलर ट्रीटमेंट एज कंपेयर टू द ड्यूज ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर इज सिग्निफिकेंट. अरे थ्रू विद दिस पक्का. और वो चीज लोग बोल, हम क्या बोले थे, लोग मिस इंटरप्रेट करते ना उस लाइन को. ठीक है, जो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ था कि मिनिमम वैल्यू आपको ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को कितना देना पड़ेगा, जितना लिक्विडेशन वैल्यू है. तो अधिकतर केस में तो जीरो लेता है, विच इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज निल. तो क्या एक रुपया दे दें, बोले तेरे को जितना लिक्विडेशन मिलता है उसे तो ज्यादा ही मिल रहा है. तो ऐसा नहीं होगा. तो पीपल मिस इंटरप्रेट दैट प्रोविजन जो अभी हम पढ़ा रहे थे. हे भगवान, क्या आप लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे कि उतना तो कम से कम देना, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उतना ही देना है. हाँ, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी उतना ही दे रहे हो, ऑपरेशन को भी उतना ही दे रहे हो, तो ठीक है. तो क्या ये पूरा रूलिंग समझ में आ गया है? मक्खन की तरह लिख डालो मेरे बच्चों. गिव मी द मैट बड़ी. पेज नंबर 38 में आओ, पेज 38 में जगह वहां लिखो. रेडी है ना? लिखो. हेल्ड बाई एनसीएलएटी
held by NCLAT on 14.11.18 14/11/18 मतलब 14 नवंबर 2018 NCLAT का जजमेंट आया था 14 नवंबर 2018 को, सुप्रीम कोर्ट का आया 19 नवंबर को, क्या लिखा, held by NCLAT on 14/11/18 and confirmed by Supreme Court and confirmed by Supreme Court on 19th November 2018, confirmed by Supreme Court on 19th November 2018, in case of Rajputana Properties Private Limited, board mein hai, case ka naam dekh sakte ho, Rajputana Properties Private Limited versus Ultratech Cement Limited, Rajputana Properties Private Limited versus Ultratech Cement Limited and others. Rajputana Properties Private Limited versus Ultratech Cement Limited and others. Lik diya kya? Rajputana Property Private Limited versus Ultratech Cement Limited and others. Related to CIRP of Binani Cements Limited. That resolution plan, submitted by Rajputana, although approved by COC, is invalid. Resolution plan submitted by Rajputana, although approved by COC, is invalid because it was discriminatory in nature. As it involved more haircut of operational creditors, ये सब technical words use करना पड़ेगा. As it involved more haircut of operational creditors, than the financial creditors. It involved more haircut of the operational creditors than the financial creditors. Stop. The revised bid of Ultratech, which provided for 100% payment to both financial and operational creditors, except related parties, comma, approved by COC. COC ne bhi to fir approve kar diya tha na isko. Approved by COC was held valid. Full stop. Next line. Implication of the judgment. Operational creditors. Operational creditors must get at least similar treatment. Operational creditors must get at least similar treatment to those of financial creditors.
कम से कम उतना ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए टू दोज ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. ये पॉइंट नंबर वन था. फिर पॉइंट नंबर टू की टेक अवेज यानी इंप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट का, ये पॉइंट नंबर वन. फिर पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू में लिखो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कैन टेक द रिस्क ऑफ पोस्टपोनिंग देयर पेमेंट्स. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कैन टेक द रिस्क ऑफ पोस्टपोनिंग देयर पेमेंट्स. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कैन टेक द रिस्क ऑफ पोस्टपोनिंग देयर पेमेंट्स बट नॉट द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कैन टेक द रिस्क ऑफ पोस्टपोनिंग द पेमेंट्स बट नॉट द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कैन टेक द रिस्क ऑफ पोस्टपोनिंग देयर पेमेंट्स बट नॉट द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. बट नॉट द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. पॉइंट नंबर थ्री, इफ इंफीरियर ट्रीटमेंट इज गिवन टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, इफ इंफीरियर ट्रीटमेंट इज गिवन टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, if inferior treatment is given to operational creditors, then in future such type of credit will vanish. Then in future such type of credit will vanish. Then in future such type of credit will vanish. Point number four. It is true that operational creditors have to be paid. It is true that operational creditors have to be paid. It is true that operational creditors have to be paid. At least that much amount, at least that much amount which they would have received, at least that much amount which they would have got, at least that much amount that they would have got under liquidation. Under liquidation. That they would have got under liquidation. But it does not mean. But it does not mean. That they will be paid. It does not mean that they will be paid. That much amount only. But it does not mean that they will be paid that much amount only. But it does not mean that they will be paid that much amount only. And financial creditors will be paid more percentage. That does not mean that they will be paid that much amount only. And financial creditors will be paid more percentage. And financial creditors will be paid more percentage. Full stop. या आज के लिए काफी है क्या? अच्छा वो चार्ट, हाँ या अरे बोलो तो पूरा यहां तक का जो तीन क्लासेस है एकदम पूरा चार्ट करके आएंगे क्या मेरे बच्चे घर से? बोलिए ना. ओके ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों. थैंक यू, बाय बाय.